हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कि नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। नॉर्मली हम कैसे ऐड करते हैं पहले तो वो देखते हैं। जैसे हम स्कूलों में ऐड करते हैं, तो सबसे हम इस पहले स्कूलों में हम कहाँ से ऐड करते हैं? हम करते हैं लेफ़्ट साइड से। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि हम 12 को 23 को ऐड करना है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि जो वंस डिजिट में हमारे पास है 2 और 3, तो 2 और 3 ऐड करके लिख दिया हमने 5, एंड 1 और 2 जो टेंथ डिजिट में उनको ऐड करके लिख दिया हमने 3, तो ये हो गया 35। ये तो आपका है ट्रेडिशनल मेथड, जो बहुत पॉपुलर मेथड बोलते हैं इसे हम। बट अब हम थोड़ा सा एक नया मेथड सीखते हैं। नया मेथड इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इस तरह से अभी हम ऐड करते नहीं हैं ना। इधर से हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। जैसे हम सेम उसी नंबर्स को ले लेते हैं 12 और 23 को, तो इधर से हम टेंथ प्लेस के जो डिजिट है उनको पहले ऐड करेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे स्कूल में हमको सिखाते हैं कि ये जो 12 है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं 10+2, एंड 23 को लिख सकते हैं हम 20+3। ये तो आप जानते होंगे, बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल में। तो हम इसी तरह से ऐड करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमारे पास 1 डिजिट है, तो 1 का हमने उसको बोलना है 10, और 10 में हमने नीचे वाला जो 2 है यानी कि 20 उसको ऐड कर देना। तो 10 और 20 कितना हो गया 30। 30 में हमने जो लेफ्ट वाला जो 3 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 33, एंड 33 में ऊपर वाला 2 ऐड कर दिया तो हो गया 35। तो आंसर आ गया हमारा 35। हमें इसमें जो है कैरी फॉरवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस मेथड में। जैसे यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम ऐड करते हैं 28 को और 47 को, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे लेफ्ट साइड में है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर है हमारे पास 28, तो हम इसको बोलेंगे 20, और 20 को हम ऐड करेंगे 40 से। तो 20 और 40 कितना हो गया 60। 60 में हमने ऐड किया 7 तो हो गया 67, एंड उसमें ऐड किया 8 तो हो गया 75। हमें पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 75 आंसर आ गया। इसमें हमें कैरी फॉरवर्ड देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमें 48 और 76 को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे लिया है 48+76, तो हम सबसे पहले हम करेंगे 48 को छोड़ देंगे। 40+70 कितना हुआ हमारे पास 110। 110 में हमने 6 ऐड किया तो हो गया 116। इसमें फिर हमने 8 ऐड कर दिया जो बचा हुआ है, तो हो गया हमारे पास 124, आ गया आंसर। इसी तरह से हम एक नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। इसमें हमने 3 नंबर्स लिए हैं, 41, 75 एंड 33। यहाँ भी हम वही करेंगे, जो हमारे पास लेफ्ट साइड के नंबर है डिजिट है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 40+60 होता है 100, 100 में 38 किया तो 130, 133 एंड 138 एंड 139, तो हमारे जो आंसर आ गया वो आया 139। तो ये आप मेंटली कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपको नोटबुक में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 डिजिट वाला, 412, 353 एंड 244। इनको अगर हमने ऐड करना तो हम किस तरह से करेंगे? यही लेफ्ट मोस्ट जो नंबर्स हैं, लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 400, तो 400 बोल रहे हैं हम। अगर आगे हमारे पास 412 है, तो 12 को हटा के बाकी बचा क्या हमारे पास 400, तो 400 को हम ऐड करेंगे 300 से तो हो गया 700, 200 और ऐड कर देंगे तो हो गया हमारे पास 900। अब 900 में हमने इस साइड से जो टेंथ प्लेस में नंबर है, जैसे ये 4 है तो इसको हम 4 नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे 40, तो 900 में 40 ऐड कर दिया हमने, तो 940 हो गया। 40 में 50 और ऐड कर दिया तो 990 हो गया, और उसमें 1 यानी कि 10 और ऐड कर दिया तो हो गए 1000। 1000 में हमने फिर ऐड कर दिया 2, 1002, फिर 1005 एंड 1009, तो हमारे जो आंसर आया 1009 आया, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको एक इस मेथड की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इस मेथड की बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये मेथड आपको बहुत आसान लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं,
वो जब माइंड में अपनी कैलकुलेशन करते हो तो शायद वो इसी तरह से कुछ करते हैं, हम लोग करते हैं बिल्कुल। अगर हमको कुछ कहा जाए कि भाई इनको ऐड करना है तो हम नोटबुक स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो गांव में लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास कॉपी पेन नहीं है, फिर भी वो हिसाब लगा लेते हैं कि हाँ भाई इतना 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 हो गया। यही मेथड होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।